हेलो स्टूडेंट्स, मैं भगवत सिंह उदावत। आज अपन डिस्कस करेंगे इको फिजिक्स के अंदर टेस्ट नंबर 6। जो टॉपिक इंक्लूडेड है दैट इज ग्रेविटेशन एंड SHM। ओके, सो वी विल ट्राई टू कवर ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग द ग्रेविटेशन एंड SHM एंड विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द जी मेन्स। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर पार्टिकल each of mass m move along the circle radius r under the action of their mutual gravitational attraction as shown in the figure, the speed of each particle is, aapko given hai ki char particle hai aur ye sab is circular motion mein hai, unki jo radius hai wo aapko given hai, radius hai iski r। to dekho yahan par yadi main isko banata hu तो इसका ऊपर फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स है इस वन के कारण, इधर फोर्स है इस एफ के कारण। इस एफ का यदि मैं वैल्यू देखूँ तो इस एफ का वैल्यू रहेगा जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब यदि मैं एक जो थर्ड पार्टिकल है, मैंने इसका फोर्स ले लिया, इसका फोर्स लिया, अब मैं वाला इसका फोर्स लेता हूँ, तो देखो मास तो सेम है लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट है, और यदि डिस्टेंस डिफरेंट है तो अपन को बेसिकली यहाँ पर इसका फोर्स का अलग से लेना पड़ेगा। इसको मैं F1 लिख लेता हूँ। जो F1 है अपने पास वो रहेगा G M स्क्वायर डिवाइड बाई √2a का स्क्वायर। √2 क्यों, यदि मैंने इसको साइड को A बोला है, मैंने इस साइड को यदि A बोला है तो ये टोटल कितना आ जाएगा √2। तो अपने पास ये तीन फोर्स हो गए और ये तीनों फोर्स बिहेव एज ए सेंटीपेटल फोर्स, तो उसके कारण ये सर्कुलर मोशन करेगा। अब अपन इसका यदि वेक्टर सम करेंगे तो अपने पास आ जाएगा √2f प्लस एफ बाई 2 इज इक्वल टू, वी कैन राइट एम वी स्क्वायर आर। ठीक है, एफ का वैल्यू आपको दे रखा है, एक्चुअली अपन को ये रेडियस दे रखी है, मैंने यहाँ पर साइड a ली है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो a है वो है √2r। जब इसका वैल्यू पुट करोगे तो इसका अपने पास आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्वेश्चन है एक्चुअली द स्केप ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑन द अर्थ सरफेस इज 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ए बॉडी इज प्रोजेक्ट आउट विथ थ्राइस ऑफ दिस स्पीड, द स्पीड ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम द अर्थ विल बी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को एक प्रोजेक्ट किया है एस्केप वेलोसिटी के थ्राइस वेलोसिटी से, तो फार अवे वेलोसिटी क्या रहेगी, बेसिकली पूछना चाह रहे हैं इन्फिनिटी पर वेलोसिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पर सिर्फ अपन को एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। देखो पहले वी स्केप वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज 2gm डिवाइड बाई आर, इसकेप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। मैं स्टार्ट की एनर्जी है माइनस gmm डिवाइड बाई आर, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आपको बोला है कि इसके थ्राइस, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ हाफ एम, इसके थ्राइस का स्क्वायर करूँगा तो इधर आ जाएगा 9 जी एम डिवाइड बाई आर, ये आ गया इंटू 2, क्योंकि 2 वाला आएगा इन्फिनिटी पर पास जाएगा, तो इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ 0 हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट जी ई एंड जी बी डिनोट द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द अनदर प्लैनेट्स। यहाँ पर आपको दो प्लैनेट, अर्थ को प्लैनेट के साथ कंपेरिजन करने का ट्राई किया है। प्लैनेट वॉज मास एंड रेडियस आर ट्वाइस टू दैट ऑफ अर्थ। बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अपने पास एक दूसरा प्लैनेट है जिसको अपन लिख लेते हैं प्लैनेट पी, और ये अपने पास है अर्थ। ठीक है, नो क्या है प्लैनेट दोज हुज मास एंड रेडियस आर ट्वाइस, मतलब इसका यदि मास, अपन अर्थ का मास एम लेते हैं तो इसका मास एम है, और इसकी रेडियस यदि आर लेते हैं तो इसका रेडियस अपने पास 2r है। ठीक है, ये बोला है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अपन को रेशियो पूछा है, तो अपन को बताया जी का फॉर्मूला होता है जी एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। सो बेसिकली यदि मैं प्लैनेट और
अर्थ की कंपैरिजन करूं तो देखो यहां 2m आ जाएगा, यहां 2r का स्क्वायर, यहां r का स्क्वायर, यहां पर m आएगा। तो अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये जो आ जाएगा वो आएगा g अर्थ डिवाइड बाई 2। इसका आंसर अपने पास जो आ जाएगा वो फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द वेलोसिटी इक्वल टू एन टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी, नेगलेक्ट द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द अर्थ, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज आर बाय टू, देन एन मस्ट बी। मतलब इस बार जिसको जिस वेलोसिटी दी है आपको, जो वेलोसिटी दी है उस वेलोसिटी का एन इंटू स्केप वेलोसिटी, अपन को बेसिकली एन का फाइंड करना है सो दैट कि अर्थ की सरफेस से वो कितना ऊपर जा सके, वो जा सके आर बाई टू। तो बेसिकली फिर अपन को एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है। देखो यहाँ की एनर्जी कितनी रहेगी, माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ एन स्क्वायर, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक मिनट मैं इसको, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं ये लिख लेता हूँ, जी एम आर का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, जब इस पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो बेसिकली यहाँ सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, थ्री आर बाई टू। तो अपन को सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, जी एम एम डिवाइड बाई थ्री आर बाई टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास एन का वैल्यू आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द प्लैनेट इज रो वन एंड दैट ऑफ आउटर शेल इज रो टू एंड देयर रेडियस आर आर एंड टू आर, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज सेम एज दैट एट द डेप्थ आर, द रेशियो ऑफ डेंसिटीज। बेसिकली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि कोई प्लानिट है, ग्रह है, जिसकी डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ पार्ट अंदर वाला उसकी डेंसिटी अलग है और बाहर वाले की डेंसिटी अलग है। ठीक है, तो देखो आपको बोला कि यहां पर जो जी है सरफेस पर वो, और यहां पर दोनों पर जी का वैल्यू इक्वल है। नाउ आपको यदि ग्रेविटी की प्रॉपर्टी पता हो तो जी इज इक्वल, यदि मैं आउटर सरफेस की बात करूं तो वहां आएगा टोटल मास, देखो जी एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई टू आर का स्क्वायर। ध्यान रखना ये टोटल मास, मैंने इसको एक मिनट के लिए एम वन मान लिया और वी हैव एज्यूम एम टू। सेम टू सेम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहां पर भी वही रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, इट इज इक्वल टू, जब अपन उसके अंदर यदि मास, यदि अपन फील्ड देखते हैं तो आउटर सरफेस के कारण, आउटर सरफेस के कारण इनसाइड कोई फील्ड नहीं होता है, इनसाइड के कारण आउटसाइड फील्ड होता है। तो मैं यदि यहां पर इफेक्ट लेना चाहूं तो इस बाहर वाले के कारण कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहां पर मैं लिख लूंगा जी एम वन डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, नाउ देखो एम वन तो बहुत ईजी है, एम वन कितना है, फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब इंटू रो वन। और एम टू जो है वो थोड़ा सा ध्यान से लिखना है, बिकॉज एम टू है ना वो सिर्फ आउटर आउटर जगह पर है। सो आउटर जगह पर अपन क्या लिखेंगे, इसकी डेंसिटी रो टू आपको दे रखी है, फोर अपॉन थ्री पाई, आपको सिर्फ यहाँ यहाँ का वॉल्यूम लेना है। तो ये क्या है देखो ध्यान से, टू आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, बेसिकली इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करोगे, बहुत सारी चीजें वैसे कट जाएगी, तो अपने पास आ जाएगा आंसर 7/3। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट। यहां पर एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व हो रहा है ऐसे, जिसकी जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो वी नॉट है। ठीक है, ये कोई यहां पर रहेगा ऐसे। नाउ
कृष्ण में बोला कि ये सडनली स्टॉप हो जाता है। तो पहले बात तो आपको ये पता होगा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, दैट इज जी एम बाई आर। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। बेसिकली मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी का इसलिए रिक्वायरमेंट है बिकॉज जब ये स्टॉप करेगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी रहेगी, जब ये रोटेटिंग स्टार्ट रहेगा इट विल हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी, इट विल हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी। एंड क्वेश्चन बोला है कि जब ये यहाँ से गिरना गिरेगा तो सरफेस पर किस वेलोसिटी से हिट करेगा, तो अगेन वी हैव टू यूज एनर्जी कंजर्वेशन। सो यहाँ पर फिलहाल कौन सी एनर्जी है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर, वो मैं यहां से यूज करूंगा। तो V नॉट का स्क्वायर इक्वल हो गया जी एम आर, अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये इक्वल टू, क्योंकि वहां पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर जिससे वो हीट करेगा, माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर। ठीक है, नाउ आपको जो आंसर दे रहेगा वो इसके वेलोसिटी में दे रखा है। नाउ आपको इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टू जी एम बाई आर। तो मैं यदि स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखो जी एम आर को वी नॉट का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ये हो गया वी नॉट का स्क्वायर। देखो एम एम तो सब जगह कट रहा है, उसका कोई यूज नहीं है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, माइनस इसका यूज करूंगा तो अपने पास आ जाएगा वी बाई टू, तो वी इसके वेलोसिटी बाई टू। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास देखो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली डैम्पिंग ऑसिलेशन का है, ये अपने जी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर बिकम 1/3 इन 2 सेकेंड। मतलब यदि इनिशियल में एम्पलीट्यूड ए है तो इन 2 सेकेंड इट रिड्यूस टू 1/3। इफ इट इज एम्पलीट्यूड आफ्टर 6 सेकेंड इज, नाउ वो पूछ रहे हैं कि 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद, वैसे तो देखो इसको अपन बहुत टेक्निकली यहां से कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, बट एक फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, दैट इज ए नॉट ए की पावर माइनस बी टू एम इंटू टी। ऐसे भी कर सकते हैं, बट अपने पास एक और मेथड होता है इसके अंदर बहुत ईजी, देखो क्योंकि ये इसके मल्टीपल में दिया है। डैम्पिंग ऑसिलेशन जो है वो डायरेक्टली यहां से आपको लग रहा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो टी का होता है, तो अगले 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, अगले 2 सेकेंड में हो जाएगा ए बाई 3 का 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, क्योंकि वो सेम रेट से डाउन होता है, और अगले 2 सेकंड में कितना हो जाएगा ए 3 का 3। ठीक है, तो यहीं से अपन के पास आ गया ये आंसर नंबर फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट से रिलेटेड। ये भी एक ठीक क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन पहले मैं पढ़ लेता हूं। वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास एम डिक्रीज बाय 1% when it is raised to height h above the earth surface, if the body is taken to the depth h in mind, changes its weight is, first thing मैं आपको बता दूं, यदि ये हालांकि यहाँ पर information given है but ये नहीं भी होता ना तो अपन को formula ये use करना पड़ता, g naught 1 minus 2h by r, और g is equal to g naught 1 minus d by r। उसका reason है कि जो mind होती है उसकी जो डेप्थ है वो अर्थ के कंपैरिजन बहुत नेग्लिजिबल होती है। इस क्वेश्चन में ये गिवन है, बाकी आपको यदि नहीं भी गिवन होता ये तो अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आपको बताइए ये फॉर्मूला हमेशा, ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज होता नहीं है। ये वाला फॉर्मूला तभी यूज होता है जब हाइट बहुत कम हो एज कंपेयर टू द रेडियस। सो अब यहाँ से अपन को पता चल गया कि डेल्टा जी बाई जी है वो है 2h/r, जबकि यहाँ पर डेल्टा जी बाई जी है वो है h/r। अच्छा, दोनों केस में डिक्रीज होता है, तो ऑप्शन यदि यहाँ पर आपको डिक्रीज लिखा हुआ है तो इसमें से डिक्रीज वाले ऑप्शन ही आएंगे, पहली बात तो ये, तो ये दोनों वैसे कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, यदि ये आपके पास दे रखा है 1%, तो सीधी सी बात ये कितना हो जाएगा, इसका आधा तो 0.5%। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया, अपन चलते नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हेन द चेंजेस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए बॉडी ऑफ मास एम इज राइज टू ए हाइट एन आर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन में बोला है कि, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये अपने पास एक अर्थ है जिसकी रेडियस आर है और यहां से ऊपर लेकर जा रहे हैं एन आर, और आंसर है वो जी की टर्म में देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी की टर्म में, तो पहले यहां पर आपको पता ही है जी का फॉर्मूला है जी एम आर स्क्वायर। नाउ आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है अपने पास माइनस जी एम एम आर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस जी एम एम डिवाइड बाई, यहां से जो डिस्टेंस है वो है एन +1 आर। ठीक है ये है। अब आप चाहो तो एक तो यहां पर इसको जी की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे यदि मैं यहां आर से मल्टीप्लाई करूं तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरे पास होएगा जी, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास इनिशियल वैल्यू होगी माइनस एम जी आर, यहां पर भी अपन आर स्क्वायर से और आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनल एनर्जी भी उसी टर्म में आ जाएगी माइनस माइनस एम जी आर डिवाइड बाई एन +1। ठीक है जब अपन चेंज फाइंड करेंगे तो चेंज का वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा ये एन एन +1 एम जी आर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सैटेलाइट ए एंड बी गो अराउंड द प्लैनेट इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स हैविंग रेडियस 4 r एंड r रेस्पेक्टिवली, इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज 3 v देन स्पीड ऑफ द सैटेलाइट बी इज, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का अपने पास फॉर्मूला है जी एम बाई आर। ठीक है ये जो मास होता है वो एक्चुअली सैटेलाइट का होता नहीं है, जिसके अराउंड होता है उसका होता है, तो बेसिकली अपन को ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द ए। अब आपको क्या क्या गिवन है, देखो जो ए है उसका रेडियस है 4 r और स्पीड है 3 v, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 v, ये आपको पूछा है बी आर, बी इसकी यदि आर है तो इसकी है ये 4 r, जब वैल्यू पुट करोगे तो इसका आ जाएगा ये 2 आ जाएगा 6, तो आंसर आ गया इसका 6। ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ए सिंक्रोनियस सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ वंस इन एवरी 24 आवर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सिंक्रोनियस सैटेलाइट इन द टर्म ऑफ द अर्थ रेडियस। आपको बोला गया कि एक तुल्यकालिक उपग्रह है जो 24 आवर में 24 आवर में प्रत्येक 24 आवर में गुजरता है, इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर दे रखा है, तो आपको पूछा है उस रेडियस उसका क्या रहेगा इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द अर्थ आपको है वो इतने गिवन है, इसका आपको यूज करना है, मास ऑफ अर्थ गिवन है। तो देखो एक तो आपको शायद ही पता होगा टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 π² जी एम आर का क्यूब। ठीक है मुझे इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है अब देखो आपको ये दे रहेगा 24 आवर, तो फर्स्ट थिंग कि मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली आर चाहिए, तो आर के लिए एक तो मैं एक काम कर लेता हूँ, आर के लिए जी एम टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 π² की पावर 1/3, एंड मुझे आर ई की टर्म में चाहिए, तो मैं यदि आर ई को यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से आर ई को एक डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो इसमें एक थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे हैं, हो सकता है आपको जो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, लेकिन आपको ऑप्शन एक तो दूर दूर दे रखे हैं उसका आपको ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट करने का मतलब और भी करने का तरीका हो ना तो क्या करते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि आर क्यूब फाइंड करना ईजी है इसको सॉल्व करना, क्योंकि जैसे मुझे इसका क्यूब करना है तो इसका क्यूब करना ईजी है, तो अपन इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं आर क्यूब इजल टू जी एम टी स्क्वायर 4 π² डेफिनेटली आर क्यूब है तो यहाँ पर आर क्यूब है। ठीक है
अब आपको यहां से इसको मैच करा दो, वैल्यू पुट कर दो, तो इस वैल्यू को आप पुट करोगे तो देखो मुझे क्यूब में चाहिए ना, तो आप इसका क्यूब निकाल दो, इसका क्यूब निकाल दो, इसका क्यूब निकाल दो और इसका क्यूब निकाल दो, जो इसको सेटिस्फाई करे इस वाले टर्म को वो अपना आंसर आएगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन करने का तरीका है, स्टेप्स है। ये क्वेश्चन ऐसे करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्मार्ट वैसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको मेथड, इसलिए मैंने क्वेश्चन ही डाला था कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन को किस स्टेप से सॉल्व करना है। तो अपन को आर का वैल्यू फाइंड नहीं करना, क्योंकि वन का क्यूब रूट निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, जबकि क्यूब करना ईजी होता है। तो क्यूब करना ईजी है तो 2.4 का क्यूब कर दो, 3.6 का क्यूब कर दो, 6.6 का क्यूब कर दो, तो अपने पास। और वैसे भी देखो एक और बात बताता हूँ, 3.6 को यदि अपन 4 मानकर क्यूब करेंगे ना तो इसके अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, क्योंकि ये आंसर अलग अलग है। यदि ऐसा होता ना 3.6 और 3.2 तो अपन को डिफिकल्टी होती, लेकिन क्या है 3.6 6.6 तो अपन यदि इनका क्यूब करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4th one। लेकिन करने का मेथड जो है मैंने आपको बताया ये वाला यूज करना है। ओके थैंक यू, नेक्स्ट बढ़ते आगे। एट वॉट डेप्थ विल द वेट ऑफ द बॉडी बिकम 1/4 ऑफ इट्स वेट एट द सरफेस। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने अभी दिया था जिससे पहले, जिसमें हाइट माइन की बात की थी। अब यहां पर वेट बहुत काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, कितना कर रहा है, वेट ऑफ द बॉडी बिकम 1/4। तो इसका मतलब है जी का वैल्यू G4 बन रहा है। तो अब मुझे बेसिकली, हालांकि डेप्थ का क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे फॉर्मूला ये यूज करना है, दैट इज जी नॉट 1 - D/R। डी का वैल्यू आपको पता ही है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, दैट इज 3rd one। ओके नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है, टू पॉइंट मासेज ए एंड बी हैविंग द मास इन रेशियो 4:3 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 meter। व्हेन अनदर पॉइंट मास सी ऑफ मास एम इज प्लेस्ड इन बिटवीन ए एंड बी, द फोर्स बिटवीन ए एंड सी इज 1/3 ऑफ द फोर्स बिटवीन बी एंड सी, देन द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए विल बी। देखो इस क्वेश्चन में भी एक बहुत छोटी सी ट्रिक मैं यूज करूंगा, ट्रिक इन द सेंस कि मतलब जे के क्वेश्चन को अपन को कैसे करना होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन देकर अपन को फंसाते अपन को फंसना नहीं है। सो व्हाट इज गिवन, मास का रेशियो है 4m, तो देखो अपन को ऐसे ऐसे करना है, मैं इसको एज्यूम कर लूंगा 4m, इसको कर लूंगा 3m, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इनके डिस्टेंस वो दे रखी है 1 meter, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, 1 meter है। ओके अब एक सी मास यहाँ रखा है और ये इसको अपन ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं, लेट इस ये डिस्टेंस एक्स पर है। तो क्या बोला, फोर्स बिटवीन ए एंड सी, मतलब सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना आएगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ जी 4m, इसका मास जो भी है वो वैसे भी कटने वाला है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो वो क्या आएगा, जी इधर आ जाएगा अपने पास 3m एंड हियर वी विल गेट 1 - x² ओके। सो जब अपन इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट, ए प्लैनेट इन द डिस्टेंस्ड सोलर सिस्टम इज 10 times मोर मासिव देन द अर्थ एंड रेडियस इज 10 times स्मॉलर। मतलब यदि मैं अर्थ से कंपैरिजन करने को बोला जाए, सपोज मेरे पास ये अर्थ है, अर्थ है, इसका मास यदि m लेता हूँ और इसकी रेडियस r लेता हूँ, तो एक दूसरा प्लैनेट है जिसका मास तो है 10m, जबकि इसकी जो रेडियस है वो है r/10, ठीक है। देन इसके वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लैनेट विल बी, तो अपन को पता है यहाँ पर इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है, वो होता है 2gm/r, वो आता है अपने पास 11, ठीक है, आपको दे रखा है 11, तो आपको इस चीज से कंपैरिजन करना है ना, इसके वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, तो 2g नो वी विल गेट 10m एंड हियर वी विल गेट r/10 ऑफ दिस, सो वी विल गेट ओनली 10v स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। सो व्हाई आपको गिवन था 11, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट आंसर 3rd one। सो वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
इफ आर डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू नाउ दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम सो एज वी नो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एम वी आर सो एल इज इक्वल टू एम वी आर दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम नाउ वी नो दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी बिकॉज देखो एनी हाउ अपने जो अर्थ रोटेट कर रही है वो तो कर तो सर्कुलर रही है जो सैटेलाइट के फॉर्मूले अर्थ और सैटेलाइट के बीच में लगते हैं सेम फॉर्मूला लगेगा सन और अर्थ के लिए बिकॉज अल्टीमेटली फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स सो ये अपन को फॉर्मूला पता है ये होता है जी एम बाई आर और उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनली पूछा है तो बेसिकली एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी वी के अंदर आ गया रूट आर आर इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा रूट आर तो ऑप्शन नंबर थर्ड ओके नेक्स्ट 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 क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है वापस देखो ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर बाई टू इज कट आउट ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस आर सच दैट द स्फेरिकल कैविटी शो फॉर्म टचेस द सरफेस ऑन वन साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द अदर साइड देखो बेसिकली बोलना चाह रहा है कि आपने एक कैविटी बनाई है उस कैविटी का एक सरफेस तो सेंटर से पास हो रहा है और एक सरफेस इसको यहां से पास हो रहा है सरफेस से पास हो रहा है एज द इनिशियल मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर वाज एम देखो बिफोर कैविटी मास वाज एम जो मास एम है वो बिफोर कैविटी है इफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्लेस एट द 2.5 R फ्रॉम द 2.5 R फ्रॉम द फ्रॉम इधर है कोई बात नहीं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैविटी देन व्हाट इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द मास एम ये बोलना चाह रहा है कि यहां से डिस्टेंस वो आपको डायग्राम में भी दे रखा है 2.5 तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा देखो ये क्वेश्चन है उसका सुपरपोजिशन ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड देखो अपन को पता है कि जो कैविटी निकाली है इसकी रेडियस आर बाई टू है और वी नो दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एज डेंसिटी इज सेम सो ये जो मास अंदर से निकाला है वो है एम बाई एट नाउ इस क्वेश्चन को अपन ऐसे कर सकते हैं मैं क्या करता हूँ इस पूरे को वापस क्या करते हैं इस कैविटी के अंदर मैं डेंसिटी एज्यूम कर लेता हूँ या डेंसिटी नहीं मास एज्यूम कर लेता हूँ एम बाई एट और माइनस एम बाई एट तो बेसिकली मास तो मैंने अंदर तो कंसिडर जीरो ही किया है लेकिन उसका बेनिफिट हुआ कि मेरे पास एक तो वापस ये बन गया एम का और एक मैं इसके नीचे डायग्राम बना रहा हूँ जिसका सेंटर थोड़ा सा इधर है जिसका माइनस मास है एम बाई एट ठीक है यहाँ पर आपको एक दे रखा है डिस्टेंस देखो इसके सेंटर से डिस्टेंस है 2R और इसके सेंटर से डिस्टेंस है 2.5R अब आपको इसमें फोर्स पूछा है तो मैं यहाँ पर दो फोर्स लिख लेता हूँ एक F1 और एक ध्यान रखना जब दोनों फोर्स दोनों मास पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट कर रहा है ये भी मास एम है ये भी मास एम है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अब सपोज मास उल्टा है जैसे इसको मास इसके अंदर हमने एज्यूम किया माइनस एम बाई एट तो ये क्या करेगा ये करेगा रिपेल यहाँ से तो ये हो गया एफ टू अब आपको कुछ नहीं करना है नेट फोर्स है आएगा एक बार मैं यहाँ एफ वन लिख लेता हूँ एफ वन आएगा जी एम एम डिवाइड बाई 2R का स्क्वायर और ऐसे अपने पास जो एफ टू है वो आ जाएगा जी एम बाई एट एम 2.5 R का स्क्वायर बस एक बार ध्यान रखना यदि आपने एरो एक बार ले लिया तो यहाँ पर माइनस एम बाई एट नहीं लेना है ठीक है अब आप दोनों को ऐड कर दो तो नेट फोर्स जो आएगा नेट फोर्स है वो है एक्चुअली F1 माइनस F2 ठीक है तो जब आप इसको प्रॉपर वे से सॉल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा फोर्थ वन ठीक है तो एक अच्छा क्वेश्चन है सुपरपोजिशन का कैविटी के क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है आई टी के अंदर तो इसको आप ढंग से एक बार वापस देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन एन एस्ट्रॉइड ऑफ मास एम इज अप्रोचिंग अर्थ इनिशियल एट द डिस्टेंस ऑफ 10 RI तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 RI 10 RE विथ स्पीड VI कोई एक एस्ट्रॉइड है ये अपने पास मान लेते अर्थ है ये आपको दे रखा है 10 RE
इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी आई है, अप्रोचिंग उसी तरफ हो रहा है इसलिए वी आई, और कोई डायरेक्शन में होती तो फिर अलग बात होता। इट हिट द अर्थ विद स्पीड वी एफ, अब ये यहां से इसको हिट कर रहा है वी एफ, तो आपको वी एफ का वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहां पर भी अपन को एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है, चाहे एस्ट्रॉइड हो चाहे कुछ भी हो, देखो दो मास है ना तो अपन को एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना ही करना है। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिख लेता हूँ, माइनस जी एम एम टेन आर ई प्लस हाफ एम वी आई का ये आ गई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम आर ई प्लस हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको जब प्रॉपर वे से सॉल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा थर्ड बार। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। ए थिन यूनिफॉर्म एंगुलर डिस्क ऑफ मास एम हैज द आउटर रेडियस 4r एंड इनर रेडियस 3r, द वर्क रिक्वायर्ड टू टेक द यूनिट मास फ्रॉम पॉइंट पी टू इंफिनिटी। आपको यहां से इन्फिनिटी पर इसको लेकर जाना है तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो बेसिकली बात यह है कि मुझे पहले तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी तो कितना है, जीरो। तो फर्स्ट मुझे यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको करना पड़ेगा। इसका मास एम दे रखा है, मास एम है तो इसकी जो डेंसिटी आएगी वो आएगी एम डिवाइड बाई एरिया, एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर, तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ फोर आर स्क्वायर माइनस 3R का स्क्वायर, तो डेंसिटी होगी सिग्मा एम डिवाइड बाई ये पाई, ये आ जाएगा 16 माइनस 9 आर स्क्वायर। ये इसके अंदर अपन को एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर एक एलिमेंट अपन लेंगे रिंग, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर एक मैं एक रिंग लूँगा, इसका जो मेरे पास डी एम आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू डी ए, इसकी रेडियस मैंने आर ली है और इसकी थिकनेस है वो डी आर, तो सिग्मा मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है तो एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एम डिवाइड बाई पाई 7 आर स्क्वायर एंड डी ए, डी आएगा 2 पाई आर डी आर। ठीक है, नाउ ध्यान से देखना, ये सारा आपने लिख दिया तो एक बार मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, मुझे अगर क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जस्ट बेसिकली मैंने क्या किया, ये जो मैंने एक रिंग ली है इसकी मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, तो रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी उसकी जो भी मास है डी एम इंटू ये वाली डिस्टेंस। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये तो मैंने लिया आर, तो ये हो गया आर का स्क्वायर प्लस वो आपको दे रखा है फोर आर का स्क्वायर, ये अपने पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की लिखनी है, मतलब पोटेंशियल लिखना है, तो ये जो मैंने लिखा है डी यू इसका मैं आपको इंटीग्रेशन कराएंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से करूँगा 3R टू 4R, तो ये अपने पास आ जाएगी इनिशियल एनर्जी जितनी मुझे पोटेंशियल चाहिए, इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल मेरे पास आई है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर है वो अपने पास आ जाएगा फर्स्ट वन। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, बट मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ रेडियो ऑफ अर्थ टू अनदर प्लैनेट इज 2:3। आपको रेशियो गिवन है, दो प्लैनेट दिया है, इसको मैं अर्थ मान लेता हूं, अनदर प्लैनेट इज रेडियस की रेशियो, तो इसको मैं यदि आर वन और इसको यदि आर ई मान लेता हूँ, तो आर वन अर्थ टू अनदर सॉरी आर ई डिवाइड बाई आर वन इज 2:3 एंड देयर रेशियो ऑफ देयर मीन डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ द वन इज गिवन 4:5। If an astronaut can jump to maximum height 1.5 meter on the Earth,
with the same effort, the maximum height he can jump on the planet is. तो same effort है, इसका मतलब velocity जो है वो same है, और आपको पता होगा height का formula होता है v square divided by 2g. Now इसका मतलब question में पूछा है कि g किसके है. Now इस बार आपको density का ratio दिया है. मैंने एक पहले question पूछा उसमें actually m था. जब density का question दिया जाता है तो आपको क्या use करना है, density का formula होता है, देखो sorry g का formula होता है g, ये r square होता है, और यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ 4 upon 3 pi r cube into rho. तो basically g है वो directly proportional to किसके हो गया, rho और r के. तो height 1 divided by height of on earth is equal to g on the earth divided by g on the 1. Now ये आपको दे दिया कि g है वो ऐसे, तो ये आ गया अपने पास rho of the earth r of the earth divided by rho of the 1 r of the 1. ठीक है, तो अब ये अपने पास सारा डेटा आ गया. जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.8, बिकॉज ये आपको गिवन है, ये गिवन है कितना है 1.5. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ग्रेविटेशन यूज नहीं किया गया है, और भी एक कॉन्सेप्ट यूज किया. मैं अभी बताता हूं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूं. टू बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2 आर इनिशियली एट द रेस्ट एट इंफिनिटी डिस्टेंस अपार्ट, दे आर देन अलाउड टू मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एट द सेपरेशन डिस्टेंस आर बिटवीन देम. बोला गया है कि दो कोई प्लैनेट है जिनका मास m1 है एंड m2 है, ये इनके म्यूचुअल फोर्स के कारण ऐसे मूव कर रहे हैं. तो जब इनके बीच की डिस्टेंस r रह जाती है, कितनी रह जाती है r, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रहेगी या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी रहेगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है. तो बेसिकली दे हैव आस्क यू v1 प्लस v2. नाउ v1 और v2 कैसे फाइंड करना है, तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन. सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ओनली बोथ सिस्टम इज मूविंग, सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व. नाउ इनिशियल मोमेंटम वाज जीरो बिकॉज अलाउ फ्रॉम रेस्ट, सो फाइनल मोमेंटम विल बी ऑल्सो जीरो. सो नाउ आई एम राइटिंग इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, वॉट इज फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज लेट आई एम एज्यूमिंग m1 की वेलोसिटी है v1, सो m1 v1 माइनस m2 v2, बिकॉज बींग वेक्टर क्वांटिटी वी हैव टू चूज अ डायरेक्शन. सो नाउ वी गॉट फर्स्ट इक्वेशन m1 v1 इक्वल टू m2 v2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ ये काफी डिस्टेंस से आए हैं, और बेसिकली वी हैव टू फाइंड v1 एंड v2, अपन को दोनों चाहिए. तो अब अपन को कैसे करना है इसको, देखो मैं क्या करूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन से v1 और v2 में एक रिलेशन लेकर आ जाते हैं. तो इनिशियल एनर्जी कितनी है जीरो, फाइनल एनर्जी कितनी है माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई r, ये तो होगी पोटेंशियल एनर्जी एट r डिस्टेंस, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर. नाउ देखो बेसिकली इसमें आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास इसका जो आंसर है वो प्रॉपर मिल जाएगा, और आंसर इसका आ जाएगा सेकंड. ठीक है, नेक्स्ट 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 सॉरी. टू बॉडी ऑफ मास एम एंड फॉर एम आर प्लेस एट द डिस्टेंस आर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो. अब देखो लगातार लास्ट के दो तीन क्वेश्चन टफ आ गए थे कैलकुलेशन वाइज, तो अब मैंने एक इजी क्वेश्चन दे दिया सो दैट पेपर का बैलेंस बना रहे. तो बोला है कि मास एम और फॉर एम है, इनको डिस्टेंस आर पर रखा है. बोला है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो. तो जहां पर जी जीरो हो रहा है, ग्रेविटेशन फील्ड जीरो हो रहा है, वहां पर अपन को पोटेंशियल चाहिए. सो बेसिकली अपन को पहले चेक करना पड़ेगा कि ऐसा हो कहां रहा है. सो अपन इसको मान लेते हैं एक्स. अब जी इक्वल होने का मतलब है कि जो जो इसके कारण प्रोड्यूस हुआ और इसके कारण हो गया वो हो गया कैंसल. तो जी एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी फोर एम आर माइनस एक्स का स्क्वायर.
इसका अपन सीधा रूट ही ले लेते हैं, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 आर माइनस एक्स, ठीक है, ये x है तो आ गया r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू आ गया r बाई 3, ठीक है। अब आपको इस जगह पर पोटेंशियल चाहिए, तो आपके पास r आ गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, माइनस जी एम आर प्लस माइनस जी 4m डिवाइड बाई, अब देखो r कितना, सॉरी ये x, ये r बाई 3, तो ये हो गया 2r बाई 3, इसका अपन वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करते इसका आंसर आ जाएगा 4th वन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर पार्टिकल इच ऑफ मास एम आर लोकेटेड एट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर विद साइड एल, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। इसकी आपको, ये आपको साइड एल दे रखी है, यहां पर सब जगह मास एम, एम सब कैपिटल है, एम और एम पूछ रहेगा, यहां पर आपको पूछा है तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक तो फॉर टाइम क्योंकि सबका बराबर रहेगा, माइनस जी एम डिवाइड बाई, यदि l दे रखा है तो ये रहेगा l बाई रूट 2, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 4 रूट 2 जी एम बाई एल, इसको वैल्यू सॉल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो ये अंदर चला जाएगा 16, दैट इज 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट इज वी, ये तो जस्ट ऐसे ही आपको हमेशा देते हैं, ऐसे दे रखा है, तो एस्केप वेलोसिटी आपको दे रखी है वी, तो वापिस वो फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, जी एम टू आर, ठीक है। ए टनल इज डग अलोंग द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट एंड द स्मॉल बॉडी इज ड्रॉप्ड इनटू इट एट द सरफेस, व्हेन द बॉडी रीचेज द सेंटर ऑफ द प्लैनेट इट्स स्पीड विल बी, तो क्वेश्चन ये बोला गया कि आपके पास एक प्लैनेट है और यहाँ पर एक कैविटी बनाई है, तो यहाँ पर आएगी तब उसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी रहेगी, तो देखो बहुत सिंपल सा है, अगेन वी हैव टू यूज एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ से इसको ड्रॉप किया सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, माइनस जी एम एम आर इक्वल टू, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होती है, खास करके आपको बस ये याद रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, जी एम एम डिवाइड बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। बस आप इसको, आपको देखो यहाँ से मैं ऐसे काम कर लेता हूँ, वी स्क्वायर स्क्वायर इजगुल टू इजगुल टू जी एम बाई आर, तो जहाँ आपको जी एम बाई आर मिल रहा है वहाँ पर मैं वहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आ गया 3/2 माइनस 1 जी एम बाई आर, इसको वी स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर है वो आ जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द, आपको बोला है कि जो फोर्स है, अरे यार ये जो फोर्स है वो आर की पावर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, देन द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज, नाउ आपको टाइम पीरियड पूछा है तो मैं इसको यूज क्या करता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू समथिंग, इसको मैं सी मान लेता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया आर की पावर एन प्लस 1, नाउ ओमेगा क्या आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, नाउ टी होता है 2 पाई ओमेगा, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ गया 1st। नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर शो द इलिप्टिकल पाथ ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन, द टू शेडेड पार्ट्स हैव द इक्वल एरिया, आपको दोनों का ये एरिया इक्वल दे रखा है और इसमें टाइम टी वन है, इसमें टाइम टी टू है, तो अपन को पता है जो केपलर्स लॉ है वो ये बोलता है कि डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, तो अपन क्या कर देंगे ए वन टी वन इज इक्वल टू ए टू टी टू, नाउ सिंस ये दोनों इक्वल है तो टी वन और टी टू दोनों हो जाएंगे बराबर, ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन अपने ग्रेविटेशन के थे, अब अपन आगे SHM पर, अपन SHM के क्वेश्चन करते हैं। व्हाइल पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल मोशन, आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से सेलेक्ट करना है, द लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये आपको लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पासेज थ्रू द देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वंस इन द इट्स ऑसिलेशन,
देखो अपन को खुद को पता है कि मैं यदि वेलोसिटी की बात करूँ तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पर जीरो, वापस आता है मैक्सिमम, यहाँ पर जीरो। तो ये दो बार मैक्सिमम होती है और दो बार मिनिमम होती है सेम एक्सेलरेशन के साथ है। तो अपन ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, जहाँ पर दो वाला आएगा वो इसका आंसर रहेगा। तो ये ट्वाइस, तो इसका आंसर अपना होगा 26 का थर्ड। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। आगे आगे ये एक सेंट्रो मास को इंक्लूड करके क्वेश्चन लिया है। द होलो स्फीयर इज फिल्ड विद वाटर, इट इज हैंग बाय द लॉन्ग थ्रेड टू मेक इट सिंपल पेंडुलम। पहले बात ध्यान रखना, सिंपल पेंडुलम बनाया है। एज द वाटर फ्लो आउट ऑफ द होल एट द बॉटम ऑफ द स्फीयर इज फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज, फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन आपको पूछी है। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πL/g, ठीक है। नाउ यदि अपन इसकी बात करें, यदि अपन इसकी बात करें तो देखो पहले फुल रहेगा तो इसका जो एल इफेक्टिव है वो रहेगा इतना। अब जैसे जैसे खाली होने लगेगा तो सपोज ये यहाँ आ गया तो इसका जो सेंट्रो मास है वो नीचे हो जाएगा। तो पहले एल क्या होने लगेगा, इंक्रीज, एंड देन एल स्टार्ट टू डिक्रीज। तो पहले एल इंक्रीज होगा और फिर एल डिक्रीज होगा। नाउ तो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल के। तो बेसिकली क्या होगा, पहले टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज होगा और फिर टाइम पीरियड होगा डिक्रीज होगा। बट आपको क्या पूछा है, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी जो है वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो फ्रिक्वेंसी पहले डिक्रीज होगी एंड फ्रिक्वेंसी पहले बाद में इंक्रीज होगी। देन तो क्या है, द फर्स्ट इंक्रीज, सॉरी फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो 27th का जो आंसर है वो अपने पास आ गया, फोर्थ वन, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। सॉरी आपको दे रखा है टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन है आपके पास, वाई वन है, वाई वन है फोर साइन ए और ए वाई टू। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देयर वेलोसिटी। तो मैं पहले वी वन फाइंड कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 40 साइन का हो जाएगा कॉस 10t प्लस 5, ठीक है। v2 हो जाएगा 50 कॉस, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, एक बार मैं लिख लेता हूँ, माइनस साइन 10t प्लस, सिर्फ 10t है और कुछ नहीं है, साइन 10t। नो ये अपने जो v2 है वो नेगेटिव आ गई और दूसरा साइन में, तो इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। तो v2 आ जाएगा अपने पास 50 कॉस 10t प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो अपन इसका अपन फेज डिफरेंस निकालते हैं, तो फेज डिफरेंस आएगा ये इसका फेज है, ये इसका फेज है, तो आ गया 5 माइनस पाई बाई 2, आंसर गोज टू फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद द एम्पलीट्यूड ए विल बी इक्वल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। तो अपन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अपन पोटेंशियल एनर्जी का लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए डिवाइड बाई रूट टू, ऑप्शन नंबर थर्ड वन, ठीक है। नेक्स्ट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 10 हर्ट्ज। तो आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है 10 हर्ट्ज की, मतलब 1/ आपको टी का वैल्यू दे रखा है। टी होता है 2πm/k, ठीक है। पार्टिकल इज सपोज सस्पेंडेड फ्रॉम द वर्टिकल स्प्रिंग एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ऑसिलेशन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड। इसका मतलब आपके पास यदि कोई स्प्रिंग है ऐसे और जो हाइएस्ट पॉइंट पर जाता है,
हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ये इसका मीन पोजीशन कहीं तो रहेगा, सो अपन लिख लेते हैं लेट ये ए पॉइंट है, तो अपने पास आ गया के ए इज इक्वल टू एम जी। तो आपको अधिकतम वेलोसिटी पूछिए, तो वी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा, ओमेगा आपके पास यहां से आ रखा है, ए आपके पास ये रहा, ए को मैं लिख सकता हूं एम जी बाई के, और यहां से अपने पास जो ओमेगा है वो है के बाई एम, ठीक है। और यहां अदरवाइज मैं कर सकता हूं इसका क्या, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, तो मैं इसका यूज कर लेता हूं, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा इसका उल्टा, तो 1 दैट इज 2 पाई के बाई एम, ठीक है, 1 अपॉन टी सॉरी, ये अपने पास आ गई 10, तो अपने के बाई एम का वैल्यू आ गया, के बाई एम का जो रूट है वो आ गया 10 इंटू 2 पाई। अब आपके इसके अंदर वैल्यू पुट करो, जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, दिस इज फोर्थ वन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस हैज द पोटेंशियल एनर्जी वेयर ए एंड बी आर द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, इट विल एग्जीक्यूट ए सिंपल हार्वेस्टिंग मोशन विथ ए फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ, बोला है कि एक मास पार्टिकल एम है और ये इसके लग रहा है, तो पहली बात तो फोर्स क्या फॉर्मूला होता है, माइनस ड्यू बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस टू बी एक्स, नो ये होता है अपने पास एम ए इज इक्वल टू माइनस टू बी एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस टू बी डिवाइड बाई एम इंटू एक्स, सो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर अपने पास आ गया टू बी बाई एम, सो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ओनली बी एंड एम, सो 31 का आंसर जो है वो चला जाएगा अपने पास थर्ड वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्वेस्टिंग मोशन इज गिवन बाय, ये आपको टोटल दे रखा है, ये है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज गिवन बाय, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन का यूज क्वेश्चन किया है, बस थोड़ा सा ये है कि अपने पास ये कॉस दे रखा है तो इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो इक्वेशन है ए वन साइन ओमेगा टी, और ये अपने पास हो जाएगा ए टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई टू, ठीक है। अब आप इसको जब यूज करोगे तो क्या फॉर्मूला होता है, ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस, इसका जो फेज डिफरेंस रहता है तो पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई टू, वैल्यू पुट करो अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे वो, और यहाँ पर ये कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू पड़ी है, ये आपको यहाँ पर यूज करना है, तो जब आप इसका प्रॉपर वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वन। नेक्स्ट वन, यस, क्वेश्चन नंबर 33, सिंपल हार्वेस्टिंग मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, एम्पलीट्यूड गिवन है 0.5, टाइम गो फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अदर एक्सट्रीम इज 2 सेकंड, तो बेसिकली आपको टी बाई टू जो है वो गिवन है 2 सेकंड, सो यहां से मेरे पास टी का वैल्यू आ गया 4, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं टी का वैल्यू आ गया 4, ओमेगा होता है अपने पास 2π/T, ये आ गया 2π/4 दैट इज पाई बाई टू, ठीक है, ये मेरे पास आ गया टी के बाद ओमेगा। एक आपको पोजीशन भी दे रखी है कि टाइम जब रहेगा 0.5 सेकेंड, तो उसके पोजीशन क्या है, तो एक बार मैं जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं, एक्स इज इक्वल होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड फाइव, बाकी सब अपन को पता ही है, तो एक्स का वैल्यू है 0.3, ये है मेरे पास 0.5, साइन ओमेगा का वैल्यू है पाई बाई टू, ये है 1/2 प्लस फाइव, तो जैसे मेरे पास 5 आ जाएगा सारा काम आ जाएगा, ये आ गया 3/5 इज इक्वल टू साइन, ये आ जाएगा ये 2 था, ये आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस 5, नाउ अपन को पता है 3/5 का कब होता है 37 डिग्री पर, सो 37 डिग्री इज इक्वल टू 45 प्लस 5, तो 5 का वैल्यू आ गया -8 डिग्री, ठीक है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा
आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, टू स्प्रिंग आर मेड टू ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली ड्यू टू द सेम मास इंडिविजुअली, द स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज इंडिविजुअली टाइम पीरियड अपडेट T1 एंड T2। जब ये बोला गया है कि इंडिविजुअली जब ऑसिलेट करते हैं ये, तब इनका जो टाइम पीरियड है वो दे रखा है, तो T1 का फॉर्मूला अपन क्या लिखेंगे, 2πm/k1। तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ क्यों अपने ये काम आएगा, तो बेसिकली ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। ऐसे ही T2 है स्क्वायर, दैट इज 2π का स्क्वायर m/k2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अपन को क्या पूछा है, कनेक्टेड इन द सीरीज, जब सीरीज के अंदर कनेक्टेड करते हैं तो 1/k इफेक्टिव हो जाता है, 1/k1+1/k2। तो यदि इनको मैं ढंग से ऐड कर दूं दोनों को, क्योंकि सब कॉमन ही है, तो अपने जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आपको 1/k1 यहाँ पर दे रखा है, 1/k2 यहाँ दे रखा है, और इफेक्टिव का जो फॉर्मूला आएगा T आएगा वो आएगा 2πm k, जो मैंने यहाँ पर k लिखा है वो, तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ये, तो k को अपने इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो k को रिप्लेस करेंगे तो आंसर आज का आ जाएगा 3rd, ठीक है। देखो आप ये तो मान के, ये आप IIT के स्टूडेंट हो तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है। क्वेश्चन है, पार्टिकल परफॉर्म SHM हार्मोनिक मोशन अबाउट O विद एम्पलीट्यूड A एंड टाइम पीरियड T, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट T इक्वल टू सेकेंड आफ्टर द पार्टिकल रीचेस द एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने के T/8 सेकंड पर इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा। तो अपन क्वेश्चन में ऐसा कर लेते हैं कि इसको स्टार्ट भी एक्सट्रीम से कर लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया, a cos ओमेगा t, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ माइनस नहीं दे रखा है, अदरवाइज अपन उसको भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, तो ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। तो बेसिकली मुझे x फाइंड करना है, ओमेगा का वैल्यू अपन को पता है, यह है 4π² t², अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, t का वैल्यू मैं करता हूँ T/8, यहाँ पर 8 करूँगा तो ये हो जाएगा कट कर π/4, तो ये हो जाएगा a/√2, तो a/√2, तो 4π² a√2 t², तो 35 का जो आंसर है वो मेरे पास आ गया 1st, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल मास एक्सर्टिंग सिलेंडर SHM अबाउट O विद द एम्पलीट्यूड A एंड T, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द O एट T इक्वल टू 8 आफ्टर पासिंग थ्रू O। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इसमें जो एक्सट्रीम पोजीशन, वो लास्ट वाला एक्सट्रीम पोजीशन था, ये इन्होंने जो इस क्वेश्चन में बोला है वो बोला गया है कि मेन पोजीशन से स्टार्ट करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, x इक्वल टू a sin 2π/t इंटू T/8, तो x का वैल्यू आ जाएगा a/√2, ओके, तो ये आज का आंसर आ गया 4th। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, स्प्रिंग मास सिस्टम परफॉर्म SHM इफ द मास इज डबल कीपिंग द एम्पलीट्यूड सेम, देन द टोटल मैकेनिकल टोटल एनर्जी ऑफ द SHM विल बी, तो आपको पता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग की बात चल रही है तो हाफ के ए का स्क्वायर के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, तो अनचेंज रहेगा, समान ही रहेगा, तो इसका आंसर आ गया 3rd। नेक्स्ट, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन a1 a2 cos ωt इज आर सुपर इम्पोज ऑन द पार्टिकुलर मास m, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज, तो देखो पहले बात तो अपन इसका एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये a है, ये a है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा √2a, ठीक है। अब अपन को पता है हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 38 का आंसर जो है वो आ गया सेकंड वन। नेक्स्ट नेक्स्ट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इज 7.5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर वेलोसिटी एक बहुत यूज फॉर्मूला होता है, उसके लिए क्वेश्चन डलाइए, तो वी इज इक्वल होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली वी का स्क्वायर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 7.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये कब है वेलोसिटी जब 4 पर है, तो 4 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इधर रहने दो, दूसरा है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अब दोनों को डिवाइड करते हैं, 7/5 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कट का हो जाएगा 3/4, तो 3/4 मतलब 9/16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व करने से बेटर है, जैसे मैं यहाँ से आपको एक दिख भी रहा होगा क्योंकि ए यहाँ 16 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू यदि मैं 25 रखता हूँ या 5 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 9, ये 25 माइनस 9, तो इसका आंसर आ गया सेकेंड वन, तो 39 का आंसर जो है वो अपने पास आ गया सेकेंड वन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सट्री ग्राफ ऑफ द पार्टिकल अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, तो एक्स का वैल्यू अपन इसको किसी टाइम पर यदि अपन एक्स का वैल्यू लिखते हैं तो एक्स का वैल्यू आपको गिवन है, एक्स गिवन है ए साइन ओमेगा टी, तो एक्स इज इक्वल टू ए कितना है 1, ये सब सेंटीमीटर में और यूनिट भी सेंटीमीटर में, साइन ओमेगा दैट इज 2π, टी है इसका 8, तो ये अपने पास आ गया 8 × t, ये इसकी इक्वेशन है। एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स के लिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो 1 sin 2π/8 × 4/3। ठीक है, तो आप इसकी जब वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस में आएगा दैट इज 4/1। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ए बॉडी ऑफ मास 0.4 केज इज हेल्ड बिटवीन टू मासलेस स्प्रिंग वॉज एंड आर फिक्स्ड टू द रिजिड वॉल एज शोन इन द फिगर, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आर 8 and 2, आपको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दे रखा 8 and 2, इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ द स्प्रिंग एंड रिलीज द टाइम पीरियड विल बी टी इज गुड का फॉर्मूला है सीधा सीधा 2π m/k, नाउ ये दोनों पैरेलल में काउंट होगा तो k हो जाएगा अपने पास कितना है 8 + 2 दैट इज 10, इसके वैल्यू पुट करना यू विल गेट योर आंसर 0.4 सेकेंड। नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ द एस एच एम इज गिवन एज ए प्लस बी साइन ओमेगा टी द एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम इज, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है एक्चुअली, इसका आंसर सीधा सीधा बता देता हूँ 42 का आंसर नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इज वी नॉट, आपको दे रखा है वी नॉट, बेसिकली वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास वी हैव ए ओमेगा। ठीक है, वॉट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वेन इट इज द डिस्टेंस ए बाय रूट टू टाइम्स द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मेन पोजिशन। ओके, तो अपन को पता है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए अपन को वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी होता है ए स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी है, चलो वेलोसिटी होता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बोला है तो ए बाई टू,
तो ये आ गया वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो आ गया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू। नो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर ये रहा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई टू, तो वन बाई फोर्थ, तो 43 का आंसर आ गया वन बाई फोर्थ एम नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट इज प्लॉटेड विद टाइम टी फॉर द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम एज शोन इन द फिगर, द करेक्ट इक्वेशन ऑफ, ये भी इक्वेशन लिखना क्वेश्चन एक, इसमें थोड़ा सा इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली, यहाँ ये टी इक्वल टू जीरो पर ये यहाँ पर है, बट इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड इसके अंदर फोर है, तो बस इसलिए तो मैं एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए। एक और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है वो मैं बता रहा हूँ, टी देखो टी जो है इसका वन और थर्टीन का तो ये ट्वेल्व है एक्चुअली यहाँ पर टी टी प्लस फाइव, ठीक है। तो अब बस आपको क्या बोला है टी इक्वल टू जीरो पर, जब मैं इसको जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये कितना वैल्यू है माइनस टू, ये अपने पास फोर साइन फाइव, ठीक है, तो अपने पास साइन फाइव का वैल्यू आ गया माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो अपने पास इसका अपन जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास आ गया पाई टी बाई सिक्स माइनस फाइव बाई सिक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ से करते हैं अपने पास फाइव का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस फाइव बाई सिक्स, सॉरी माइनस माइनस अगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी है बट अच्छा सा है। आइडेंटिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट इन द टू अरेंजमेंट, ये आपका फर्स्ट अरेंजमेंट है दूसरा अरेंजमेंट है, आइडेंटिकल है मतलब मास और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सेम है, द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड इन द टाइम अरेंजमेंट इज, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है स्प्रिंग जो मास सिस्टम होता है उसका टाइम पीरियड कभी भी कॉन्स्टेंट फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे ग्रेविटी उस पर कभी डिपेंड नहीं करेगा, यदि मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दूँ तो उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वो के और एम पर डिपेंड करेगा, इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वन, तो इसका सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वॉट इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक इन द एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछिए, तो देखो एंगुलर फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है जो ओमेगा होता है वो होता है के बाई एम, नाउ के ये दोनों सीरीज में है तो जो के है वो आ जाएगा 300 इंटू 600 डिवाइड बाई 900, तो ये आ गया एक्चुअली आपके पास 200, ठीक है, तो ये 200 डिवाइड बाई 2 सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 101, तो 46 का जो आंसर है वो अपने पास आ गया 101। नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा एंड द ओमेगा एंड ए रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ओमेगा और ए है इसके अंदर एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ठीक है, एट द एट ए डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मेन पोजिशन इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज टी, देखो काइनेटिक एनर्जी टी है तो काइनेटिक एनर्जी का इसको टी के टर्म में लिखा है तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा हाफ एम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, वी का फॉर्मूला ये, और पोटेंशियल एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आपको टी टू वी का रेशियो पूछा है तो टी टू वी का रेशियो पूछेंगे सब कट जाएगा अपने पास आएगा ए स्क्वायर, ये इसका रेशियो आ जाएगा, तो आंसर इज फॉल्टी, सॉरी आंसर इज फोर्थ वन। नेक्स्ट नेक्स्ट है टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के बाई फोर एंड के बाई फाइव आर जॉइंट इन द सीरीज एंड कनेक्टेड टू द मास एम द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, तो अब आपको यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं पूछा है फ्रिक्वेंसी पूछा है तो आप इसको कर लेना सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट 49 मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ द नेग्लिजिबल मास द स्प्रिंग इज पुल्ड लिटिल एंड देन रिलीज सो दैट द मास एग्जीक्यूट एस एच एम ऑफ द टाइम पीरियड टी, तो आपको ये टाइम पीरियड टी दे रखा है तो टी का फॉर्मूला हो गया अपने पास 2 पाई मास है एम बाई के, इफ द मास एम इज इंक्रीज बाय एम, अब इस एम को इंक्रीज करते हैं दैट टाइम पीरियड बिकम 5 बाई टी 6, सो नाउ दैट इज 5 टी बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई और यहां पर आपको एम बाई एम लिखना है डिवाइड बाई के,
तो आपको एम बाई एम का रेशियो फाइंड करना है, आप इसको सीधा सीधा स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, मैं जस्ट स्टेप बता रहा हूँ आपको, डिवाइड करना है तो स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा 25, ये आ गया 9, इसको बाकी सब कर जाएंगे, नाउ एम डिवाइड बाई एम प्लस एम, ठीक है। सो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है एक, क्योंकि मुझे लगा था कि उसमें क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो गए, ये दोनों सीरीज में है, तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2k/3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा पैरेलल में। सो यूज्ड फॉर्मूला, मास बराबर दे रखा है 2πm/k1, ठीक है। तो इसके साथ अपना जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो गया, इसमें बैलेंस रखने की कोशिश किया है मैंने, क्वेश्चन वैरायटी के भी हैं, इजी भी रखे हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखे हैं जहाँ फंसने की फंस जाते हो, वहाँ पर कहीं कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी रखी है कि आपको उस कैलकुलेशन से कैसे अवॉइड करना है या उस क्वेश्चन को कैसे छोड़ना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान भी रखना होता है। वैसे अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी, दैट इज इंटीजर। ओके बच्चों, नेक्स्ट है सेक्शन बी जिसमें इंटीजर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज सब्जेक्टेड टू एन अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के आर स्क्वायर। ये आपको एक फोर्स दे रखा है, के इज बीइंग कॉन्स्टेंट इफ एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल इज द एक्सट्रीम पोजिशन इन इट्स क्लोज ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स, इट्स स्पीड इज गिवन है। देखो आपको बोला गया कि जब वो ए डिस्टेंस पर है तब उसकी स्पीड इतनी है, इफ द डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सट्रीम पोजिशन इज बी, एक दूसरा पॉइंट है उसका एक्सट्रीम पोजिशन बी है, मतलब पॉइंट ये है कि एक कोई ये सेंट्रल फोर्स है और कोई प्लैनेट उसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है, या पार्टिकल मास एम कोई रोटेट हो रहा है, सेंट्रल फोर्स की आपको पता ही है कि हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा फोर्स, ऐसे ऐसे, और इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट दे रखे हैं, एक एक्सट्रीम पॉइंट है अपने पास ए और एक एक्सट्रीम पॉइंट है बी, ठीक है। यहाँ पर आपको वेलोसिटी एक्चुअली गिवन है, स्पीड इज गिवन, सो एक बार मैं लिख लेता हूँ, वेलोसिटी है के डिवाइड बाई 2ma, ओके, ये आपको इसके वेलोसिटी गिवन है। नाउ देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा अपना सैटेलाइट मोशन करता है या अर्थ मोशन करते हैं अराउंड द सन, और फोर्स भी वैसा ही है, अपन को पता है ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है g m1 m2, तो इसको आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, एम स्क्वायर, इसको इसने क्या लिख लिया, इट इज के आर स्क्वायर। सो बेसिकली g m1 m2 इज रिप्लेस बाय k, यदि आपको सिमिलरिटी से क्वेश्चन करना है तो ये अपन को सिमिलरिटी इसलिए चाहिए बिकॉज आपको यहाँ की वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ की आपको पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस g m1 m2, तो इसके जिक्र लिख लेता हूँ के डिवाइड बाई आर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसमें अपन को दो चीज़ यूज करनी है, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो जब वो इस पॉइंट पर आएगा तो मैं अब एनर्जी लिख लेता हूँ, एनर्जी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखो फर्स्ट इक्वेशन आएगी के डिवाइड बाई 2ma इक्वल प्लस प्लस माइनस के बाई ए इक्वल टू माइनस के बाई बी, और वहां की जो भी वेलोसिटी आएगी उसके कारण मैं लिख लेता हूं हाफ एम वी वन का स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन नंबर आ गई 1। नाउ सेकेंड, सिंस इट इज ए सेंट्रल फोर्स सो टॉर्क अबाउट द सेंटर विल बी 0, एंड सिंस टॉर्क इज 0 सो वी कैन यूज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जब अपन यूज करेंगे तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ हाफ एम वी टू का या वी नॉट का स्क्वायर जो भी है, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, यहाँ का डिस्टेंस है ए, तो मैं लिख सकता हूँ एम वी आर दैट इज ए इज इक्वल टू उस साइड का क्या रहेगा एम वी वन बी, तो यहाँ पर आ गया अपने पास वी ए इज इक्वल टू वी वन बी, इक्वेशन नंबर 2। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे बेसिकली अपन को क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड a by b मतलब v1/v चाहिए, तो जब आप यहाँ से वैल्यू लाकर पुट करोगे तो अपने आंसर आ जाएगा a/b = 3, ठीक है। तो दो इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की और एनर्जी कंजर्वेशन की। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट द वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी मस्ट बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट मे रिच द हाइट ऑफ 10 R वेयर R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द इक्वल टू 6.4। ये एनर्जी कंजर्वेशन है, आपको बोला गया कि यहाँ से कितने से फेंका जाए, सो वेलोसिटी हाइट कितनी जानी इसको 10 R, ठीक है, तो सिंपल सही है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, तो पहले एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 11 R, ठीक है। आपको ये वेलोसिटी पूछिए, वेलोसिटी का जब आप अपना पूरा डेटा पुट करोगे, जब आपको ये जो डेटा दे रखा है, ये आपको ये मास इतना लेना है, आर शेड लेना है, और ये जी का वैल्यू अपन को स्टेप से लेना है। जब आप इनको सबको वैल्यू पुट करोगे, ये आपको इसके टर्म में पूछा, 10^4 के टर्म में पूछा है, तो इसका जो आंसर आ रहा है जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.07 × 10^4, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ बॉडी ऑफ यूनिट मास मूविंग इन वन डायमेंशन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज गिवन बाय, ये वन डायमेंशन कंजर्वेटिव फोर्स है, ऑल यूनिट आर एस आई, द बॉडी विल परफॉर्म एस एच एम हार्मोनिक मोशन अबाउट द पॉइंट एक्सिस। ये क्वेश्चन में बोला गया कि किस एक्स के अबाउट ही हार्मोनिक मोशन करेगा, तो अपन को पता है जहाँ फोर्स 0 रहेगा वहाँ पर ही हार्मोनिक मोशन करेगा, तो क्या करते हैं इसको 0, तो अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x - 4 = 0, एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विथ ए मास एम प्लेस्ड ऑन इट इज एग्जीक्यूटिंग एस एच एम अलोंग द वाई एक्सिस, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज 2.5 cm, ये ऑसिलेट जो कर रहा है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 2.5 cm, जैसे इसका मेन पोजिशन है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है वो 2.5, एंड सिमिलरली वो डाउन भी जा सकता है 2.5, ओके। इफ द एम्पलीट्यूड एंड द मास जस्ट लीव द प्लेटफॉर्म एट द हाइएस्ट पॉइंट देन द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द, आपको ओमेगा पूछा है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी रहेगी, तो देखो सबसे हाइएस्ट पॉइंट पर होगा तो होगा क्या वो अपन देख लेते हैं। हाइएस्ट पॉइंट पर इस प्लेटफॉर्म पर बात करो तो ये एन लगेगा इधर, ये इसका एम जी, इक्वेशन आ जाएगी एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए, बिकॉज मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है ओमेगा स्क्वायर ए, कॉन्टेक्ट लूज करने का मतलब है इसका वैल्यू नॉर्मल का 0, तो जब एम जी इज इक्वल टू क्या करेंगे ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है, तो इसका सॉल्व करना आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज पिवोटेड स्मूथली एट इट्स सेंटर ऑफ द मास, इसको यहाँ से कर रखा है और ध्यान रखना ये डिस्क है, ठीक है, ये आपको डिस्क गिवन है, द लाइट स्प्रिंग ऑफ द स्टिफनेस के इज अटैच्ड विद द डिस्क टेंजेंशियली एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द फ्रिक्वेंसी इन रेडियन, एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपको इसकी पूछी है, तो देखो क्या करना है, मैं इसको यदि थोड़ा सा भी रोटेट कराता हूँ, मतलब थीटा लेकर जाता हूँ, तो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आ जाएगा, कंप्रेशन कितना आएगा इसके अंदर, ये यहाँ से कितना गया आर थीटा, सो स्प्रिंग फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगेगा दैट इज के एक्स दैट इज के आर थीटा, ये अपने पास तो स्प्रिंग का जो फोर्स है जो इस पर लगेगा वो है, ठीक है। नाउ टॉर्क की बात की जाए, सेंट्रो मास के अबाउट, टॉर्क अबाउट सेंट्रो मास इज इक्वल टू आई सी एम अल्फा, टॉर्क हमेशा सेंट्रो मास के अबाउट देखना होता है, तो ये डिस्टेंस इसकी कितनी आर, तो फोर्स कितना है के आर थीटा इंटू आर, आई सी एम कितना है एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा, तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब देखो अल्फा कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर गया 2k/m इंटू थीटा, वी नो दैट दैट इज ओमेगा स्क्वायर, सो सॉल्विंग इट वी विल गेट अवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन चेंजेस साइनसॉइडली विद द टाइम एज शोन इन द फिगर ग्राफ, इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 2 seconds, इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन चेंज करवा दिया, ये 0 to 4 seconds है, तो अपन को जो आंसर निकालना है वो 0 to 4 seconds के लिए निकालना है, ठीक है।
तो 0 से 4 सेकंड इसको मैंने यहां चेंज कर दिया है क्वेश्चन के अंदर, सो 0 टू 4 सेकंड। अब देखो यहां से यहां करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द टॉप ऑफ द माउंटेन ऑफ हाइट h इज g1 एंड द बॉटम ऑफ द ए माइन ऑफ डेप्थ d इज g2, इफ g1 एंड g2 इज इक्वल देन व्हाट विल बी रेशियो ऑफ d बाय h। तो अपन को क्या करना है, यहां पर हाइट के साथ पूछा है, दोनों को इक्वल कर दो, 1 - 2h बाय r इज इक्वल टू g0 1 - d बाय r, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द सेमी सर्कुलर रिंग एंड द पार्टिकल इच ऑफ मास m इज, दोनों का मास आपको m गिवन है, ये आपको वैल्यू दे रखी है, वी हैव टू फाइंड n। तो देखो अपन को पता है यहाँ पर e का फॉर्मूला होता है 2g λ/r, ठीक है। नाउ लेमडा कितना है, मास डिवाइड बाई इसकी लेंथ दैट इज πr। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो है m इंटू e। जब अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास जो एर्थ का आंसर है वो मिल जाएगा 2। नेक्स्ट ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद अ टाइम पीरियड 11 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 4 सेकेंड। तो अपन t के टर्म में आंसर निकाल देते हैं इसका। ये आपके पास टाइम पीरियड t दे रखा है एंड एम्पलीट्यूड दे रखा है 4 दैट इज a। द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज क्वार्टर ऑसिलेशन, तो एवरेज का जो अपने पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा v dt 0 to quarter दैट इज T/4। नाउ dt 0 to T/4, ठीक है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास a की टर्म में इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 4 a/t। नाउ a आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद अपन को अपने आंसर मिल जाएगा 4 दैट इज 10^-2। टाइम आपको दे रखा है 11 सेकेंड, तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान देना आंसर। नेक्स्ट ए ब्लॉक होज मास 1 kg इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, द स्प्रिंग हैज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 100 Nm/m, द ब्लॉक इज पुल्ड टू डिस्टेंस 10 cm फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन एट x = 0 ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट एट t = 0, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 cm अवे फ्रॉम, आपको पूछा है, ठीक है। तो देखो पहली बात स्प्रिंग कॉन्स्टेंट गिवन है, तो अपने पास जो एनर्जी है टोटल एनर्जी है दैट इज e इज इक्वल टू 1/2 kx का स्क्वायर, x कितना है 10 cm, सो 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दे रखा है स्प्रिंग इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k एंड ब्लॉक इज पुल्ड डिस्टेंस 10 cm, तो अपने पास यहाँ पर उसकी एनर्जी आ गई, k का वैल्यू है 100, ये 2, ये हो गया 0.1 का स्क्वायर, तो ये अपने पास इसकी एनर्जी आ गई 1/2 दैट इज 0.5, ठीक है। ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है। नो आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 cm अवे फ्रॉम द मेन पोजिशन, तो मैं क्या करूँगा, एनर्जी तो वो क्यों रहेगी दैट इज 0.5 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1/2 kg 5 cm अवे फ्रॉम स्क्वायर। तब इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास तो u का वैल्यू है वो जो अपन ने दे रखा है वो आ जाएगा 0.375। अपन को दो डिजिट में चाहिए तो दो डिजिट में हो जाएगा 0.38। नेक्स्ट टू पेंडुलम डिफर इन द लेंथ बाय 22 cm, आपके पास दो पेंडुलम गिवन है, दो पेंडुलम का जो डिफरेंस है लेंथ का L1 - L2 है दैट इज 22 cm, दे ऑसिलेट एट द सेम प्लेस सो दैट वन ऑफ देम मेक्स 30 ऑसिलेशन एंड द अदर मेक्स 36 ऑसिलेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम। इनका जो सेम टाइम जैसे अपन सेम टाइम लेते हैं एक फिक्स टाइम कर देते थे, तो एक तो टाइम है उसका लेट उसका टाइम t1 है, तो 30t1 इज इक्वल टू दूसरे का 36t2,
ठीक है, क्योंकि ऑसिलेट इतना बना रहा है, इसका यदि टाइम पीरियड टी वन है, टोटल कितना होगा 30 इंटू टी वन, इसका 36 है तो टी वन टी टू। अब कुछ नहीं करना है, 30 यहाँ से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 5 टी वन का 2 पाई एल वन जी इज इक्वल टू 6 2 पाई एल टू बाई जी। ठीक है, ये सब कट जाएंगे, अपने पास आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई एल टू एल वन। आपको 150 दे रखा है, आप इसको सॉल्व करोगे तो दूसरे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट द टाइम पीरियड ऑफ मास एम व्हेन द डिस्प्लेस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो अपन डेफिनेटली यहाँ पर अभी कुछ एक्सटेंशन रहेगा, लेट अपन मान लेते हैं इसके अंदर एक्सटेंशन एक्स नॉट है, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा के एक्स नॉट, हियर वी विल हैव के एक्स नॉट। सो बेसिकली इस पर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है 2 के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी। सो अपने पास एक इक्वेशन आ गई 2 के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक दूसरी बात, यदि मैं इसको x नीचे लेकर आता हूं, इस पुल्ले को x नीचे लेकर आता हूं, तो इसके अंदर ये भी x नीचे आएगा, तो x इधर से एक्सटेंशन हो जाएगा, x इधर से एक्सटेंशन हो जाएगा, तो इसके अंदर एक्सटेंशन हो जाएगा एक्चुअली 2x का। तो उस केस के अंदर यहां पर जो फोर्स लग रहा था पहले के एक्स, वो आ जाएगा के एक्स नॉट प्लस 2x, इधर भी कितना आ जाएगा के एक्स नॉट प्लस 2x। ऐसे ऐसे में कभी भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना होता है तो पहले इक्विलिब्रियम फाइंड करना होता है और फिर उसको डिस्प्लेस करना होता है। तो ऊपर की ओर फोर्स कितना हो गया, ऊपर की ओर अब टोटल फोर्स कितना हो गया, वो हो गया इन दोनों का सम, तो दैट इज 2 के एक्स नॉट प्लस 2x, ये तो वो वाला फोर्स लग रहा है, नीचे इसका एम जी है तो माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 को एक्स नॉट, अपने पास ये इक्वेशन है, तो ये 2 के एक्स नॉट और ये एम जी कट जाएगा, इधर आ जाएगा 4 के एक्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा 4, बिकॉज अपने पास ए एम इधर आ गया, दैट इज योर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, टू पार्टिकल अंडरगो एसएसएम अलोंग पैरेलल लाइन विद द सेम टाइम पीरियड ऑफ, ये आपको टाइम पीरियड गिवन है, ये इसका टाइम पीरियड गिवन है, तो अपन टी के टर्म ही निकालते हैं, एंड इक्वल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इक्वल गिवन है, एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट वन पार्टिकल इज एट द एक्सट्रीम पोजिशन वाइल द अदर इज एट द मीन पोजिशन, एक यहां पर है और एक यहां पर है, जैसे यहां पर दे रखा है एक यहां पर है, पहले से डिफर कर रहे हैं, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब यदि ये ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये ऐसे मूव कर रहा है, दे विल क्रॉस इच अदर आफ्टर द फर्दर टाइम, बोला कितने टाइम बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो पहली बात देखो, ये t बाई फोर में यहां पर आएगा तो ये t बाई फोर में यहां पर आ जाएगा, मतलब t बाई फोर में तो ये ऐसे आए, ये पोजीशन इसकी ये रहेगी और ये पोजीशन ये रहेगी, तो अब एक एक्सट्रीम पोजीशन पर है और एक मीन पोजीशन पर है और अब ऑपोजिट में स्टार्ट हो गया, तो अब ये यहां से इधर जाएगा, ये इधर से जाएगा, लेट में इस डायरेक्शन को अपन यदि पॉजिटिव लेकर चलें तो इसकी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, और क्योंकि एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो x का वैल्यू आ जाएगा a cos ओमेगा t, दोनों मिलेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बराबर, तो मेरे पास आ गया बेसिकली साइन ओमेगा t इज इक्वल टू cos ओमेगा t, तो यहां से ओमेगा t अपने पास आ गया पाई बाई फोर, ये 2 पाई बाई t इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो अपने पास t का वैल्यू आ गया t बाई एट, ये t बाई एट आंसर नहीं है बिकॉज t बाई फोर पहले ही आ गया था, तो टोटल जो टाइम आया वो आया t बाई एट प्लस t बाई सिक्स, ये इसका वैल्यू दे रहेगा t का, वैल्यू पुट करना यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास इज परफॉर्मिंग एस एच एम अबाउट एक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स शोन इन फिगर, ये आपको फोर्स और इसका ग्राफ दे रखा है, आपको पूछा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो देखो फोर्स कितना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है पहली बात एम ओमेगा स्क्वायर ए, कौन सा फोर्स, एक्सट्रीम पोजिशन पर देखें तो
एक्सट्रीम पोजिशन इसका कितना है 2 का, वो किसमें है मीटर में, तो फोर्स कितना है 8, एम कितना है 0.01, ओमेगा स्क्वायर ए कितना है 2, वैल्यू पुट करो यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एट ए डेप्थ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ बिलो द सरफेस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज, पृथ्वी सतह से प्रति त्रिज्या के बराबर गहराई पर, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेडियस आर के बराबर डेप्थ पर जी कितना होगा, तो जी कितना रहेगा 0, बिकॉज वो आ गया सेंटर और सेंटर पर जी का वैल्यू होता है 0, तो इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट, थ्री पार्टिकल इच ऑफ मास एम आर प्लेस एट द थ्री कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, वॉट इज द फोर्स ड्यू टू द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द अनदर पार्टिकल ऑफ मास एम प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ एनी, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये यहाँ पर मास रखा हुआ है, यहाँ पर मास रखा हुआ है, यहाँ पर मास रखा हुआ है, बोला है कि यहाँ पर मास यदि रख दिया जाए एम, तो उस पर फोर्स कितना रहेगा, तो देखो इसके कारण तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर लगेगा इधर लगेगा तो कैंसिल आउट, तो सिर्फ फोर्स लगेगा वो इसके कारण लगेगा, वो इस साइड लगेगा, वैल्यू कितना रहेगा जी एम एम डिवाइड बाई ये वाली साइड आर का स्क्वायर, आर कितना है ये आपको एल दे रखा है, ये 30 डिग्री रहेगा, आर इज एल कॉस 30 दैट इज रूट 3/2, वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा 16 का, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट विद द काइनेटिक एनर्जी एक्स, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट शुड बी गिवन टू इज एन एक्स सो दैट इट जस्ट एस्केप इनटू द आउटर स्पेस। देखो ये बहुत ऑर्बिटल मूव करता है, तो आपको पता है टोटल एनर्जी होती है वो होती है माइनस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट इज एक्स। अब बोला है कि इसको कितनी एनर्जी देगी बाहर चला जाए, तो सीधी सी बात है बाहर तभी जाता है, इसके तभी कर रहा है जब टोटल एनर्जी 0 से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको बोला है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी दें एन एक्स सो दैट इट बिकम 0, एन का वैल्यू कितना आ गया 1। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ द मून इज 14 टाइम्स दैट द अर्थ एंड मास इज 181 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, आपको एक मून दिया है जिसका मास है m बाई 81 और रेडियस है r बाई 4, अर्थ है मास m और रेडियस इसकी r, द पॉइंट एट विच द ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू अर्थ बिकम इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ मून इज nr, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, ये बोला है कि यहां से डिस्टेंस तो मैं मान लें तो x, टोटल डिस्टेंस दे रखिए, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मास एंड मून इज 60 r, तो ये आपको दे रखा है 60 r, तो कहां पर ये 0 हो जाएगा, तो इसका फोर्स ऐसे आएगा, इसका फोर्स ऐसे आएगा, ये आपको यदि x दे रखा है, देखो इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, मास का जरूर इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, तो फोर्स 0 करने का मतलब है कि जी एम डिवाइड बाई 81 60 r माइनस एक्स का स्क्वायर, इट इज m डिवाइड बाई x का स्क्वायर, ठीक है, आप इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन द फिगर आपको l 1 मीटर दे रखा है, इफ द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 4 kg मास इज F1, आपको बोला है कि ये जो 4 kg मास है, जो 4 kg मास है, इस पर फोर्स है F1, अब देखो इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ही लगाएगा और एक ये लगाएगा, ठीक है, अब ये एल एल है तो एंगल कितना रहेगा 45, ये एंगल भी कितना रहेगा 45, तो इसका वैल्यू इस साइड कितना आएगा, देखो ध्यान से देखना, जी 4 1 डिवाइड बाई √2, एल 1 है इसलिए इसको ऐसे रहने देता हूँ का स्क्वायर, ये फोर्स उतना उतना आएगा, तो बेसिकली ये आ गया 2g, ये भी 2g, इसका रिजल्टेंट ऐसा आएगा दैट इज √2 टाइम ऑफ 2g, ये तो आया इसके कारण, इसके कारण कितना आएगा, तो एक और ऐड कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 4 × 2 = 8g डिवाइड बाई 2l का स्क्वायर, ये आपके पास है F1, ठीक है, एंड
टू के जी पर फोर्स है एफ टू। अब यहां पर देखो, तो देखो ये वाला क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, यहां पर फोर्स जरूर चेंज हो गया। वो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ फोर था तो मेरे पास ये आया था, अब ये टू है तो उसका आधा आ जाएगा, तो अब अपने पास आ जाएगा रूट टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मास आधा है इसलिए मैं आधा लिख रहा हूँ, जी प्लस एट जी डिवाइड बाई टू का स्क्वायर, दैट इज योर एफ टू। जी जी काट दो, अपने पास जब एफ वन और एफ टू का वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आएगा रूट टू। रूट टू की वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 केजी इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 1 केजी इज प्लेस ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द सेंटर एंड ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग। आपको एक रिंग दे रखी है जिसका मास है 5 केजी और एक ये रखा हुआ है जिसकी रेडियस है 3 और ये पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, ये अपने पास ए है, ठीक है। अब बोला गया कि वर्क डन टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 4 मीटर टू, आपको बोला है कि अब इसको यहाँ लेकर जाना है बी पर, ये आपको दे रखा था 4 तो ये आपको डिस्टेंस पता होगी ये आ जाएगा 5, ठीक है, और ये आपको डिस्टेंस दे रखी है 3√3। ये डिस्टेंस क्यों चाहिए कि एक्चुअली क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है रिंग के कारण, जी एम एम डिवाइड बाय ये वाले डिस्टेंस, तो एक तो अपने पास आ रहा है 5 और दूसरा अपने पास आएगा वो आएगा जी एम एम 3√3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर का रूट, तो ये मेरे पास आ गया जी एम एम डिवाइड बाई ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 27 प्लस 9 दैट इज 36, तो ये आ गया 6। अब आपको डिफरेंस चाहिए, बस डिफरेंस फाइंड कर दो, तो जी एम एम डिवाइड बाई 5 माइनस जी एम एम, ये माइनस होता है मैंने वो तो आपको पता ही है, तो ये आ गया 6। तो अब इसको आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो इसके साथ ही अपना ये कंप्लीट हो गया डिस्कशन। थैंक यू। जय सी एल सी।